लड़कों को लगता है हम जैसे लड़कियों को देखते रहते हैं, लड़कियां हमें तो देखती ही नहीं। लेकिन ये गलत है, लड़कियां भी लड़कों को उतना ही देखती है जैसे एक लड़का लड़की को देखता है। लेकिन लड़कियां आंखों से लड़के की तस्वीर खींच लेती हैं और उसे मन ही मन घूरती रहती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें 3 सेकंड काफ़ी होता है, वो तुम्हें सिर से लेकर पैर तक पूरा स्कैन कर लेती है। लेकिन हाँ, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नोटिस करती है और बहुत ही गहराई से आपकी सारी बातें सुनती है। आपको लगता है कि मुझे कोई लड़की नोटिस नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनका देखने का और नोटिस करने का तरीका अलग होता है। ये बात अलग है कि वो आपको पसंद करती है या नहीं, लेकिन लड़कियों को खबर होती है कि कौन कैसा है। लड़कियां बचपन से ही बंदिश में रहती है, इसीलिए वो खुलेआम किसी लड़की को नहीं ताड़ सकती, लेकिन वो एक जासूस की तरह आपकी सारी हरकतों और सारी बातों पर नज़र रखती है। कुछ खास हरकतें होती हैं जो साइकोलॉजिकली हर लड़की को लड़कों में पसंद होती है। लुक एंड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब रंग गोरा नहीं होता, मस्कुलर बॉडी नहीं होता। पर्सनैलिटी का मतलब होता है आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। बहुत सारे लोग खुद की पर्सनैलिटी को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हो, लड़की आपको पसंद करेगी, बस आप जाकर बात करो। आप तो ट्राई ही नहीं करते। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बहुत सारे लोग कुछ भी पहनकर निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए जिसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करें। अच्छे कपड़े, अच्छे स्टाइल कॉन्फिडेंस देता है। कहीं बाहर जा रहे हो तो कपड़े बदल कर जाओ। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि तुम्हें लड़की पटानी है। देखो, लोग तुम्हारी उतनी इज्जत करेंगे जितनी इज्जत की तुम लायक दिखते हो। और एक बात, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो सवेरे ब्रश करते करते सड़क पर चले जाते हैं और लड़कियों को देखते रहते हैं। खुद ही सोचो कैसे नजर आ रहे हो। मॉर्निंग के कपड़े, मुरझाया हुआ चेहरा, मुँह पूरा झाग से भरा हुआ। कौन सी लड़की ऐसे लड़कों को पसंद करेगी यार? बोलने का तरीका। आपके पर्सनालिटी, ड्रेसिंग के बाद लड़कियां नोटिस करती हैं आपके बात करने के तरीके को। आप कैसे बात करते हो? क्या तुम गाली बकते रहते हो? आपकी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं? लड़कियां ये सब नोटिस करती हैं। लड़कियां सिर्फ आपके बोलने के तरीके से ही आपसे इंप्रेस हो जाती हैं। मुझे बहुत सारी लड़कियों ने कहा है कि मैं बहुत बढ़िया बात करता हूँ और उनको मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बोलने का तरीका हमें लड़कियों से सीखना चाहिए। वो कितने प्यार से, कितने आराम से बात करती हैं, कितना बढ़िया वॉइस के साथ अच्छे अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करती हैं। लड़कियां तुम्हें सिर्फ उनके आवाज़ से इंप्रेस कर लेती है। तुम लड़की के आवाज़ सुनकर उनसे मिलने के लिए बेकरार हो जाते हो, लेकिन जब वो सामने आती है तुम्हें आत्महत्या करने का मन करता है। जस्ट जोकिंग, बहुत सारी लड़कियाँ खूबसूरत भी होती हैं, लेकिन हमें बात करने का स्टाइल लड़कियों से सीखना चाहिए। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मल्टी टैलेंटेड, सब कुछ कर जाना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है बिना डरे, बिना शर्माए कोई भी काम कर लेना, लोगों के सामने आना। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद का रुतबा, तुम्हारा एटीट्यूड, लड़की को प्रोटेक्शन दो, पेशेंस रखो। बहुत सारे लड़के मुझे फेसबुक वगैरह पर बात करते करते कहते हैं कि सर, एक लड़की मेरे सामने से कितने दिनों से देख रही है, मेरे सामने से गुजर रही है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि उससे मैं बात करूं। तो भाई, लड़की सामने से बात करने थोड़ी ना आएगी। लड़की ने सिग्नल दिया है, अब तुम्हारा काम है तुम जाकर बात करो। लड़की ऐसे सिग्नल देकर देखती है तुम में कितना कॉन्फिडेंस है, और तुम भीगी बिल्ली की तरह पड़े रहते हो। लड़की गुजर जाती है और तुम रोते रहते हो, अरे यार बात करो। स्मार्टनेस। देखो यार, सबको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर स्मार्ट हो, और वैसे लोग ही हम इम्प्रेस होते हैं कि हमारे पास वो सब नहीं है जो हमारे पार्टनर के पास होता है। स्मार्टनेस का मतलब नॉलेज की बात हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला, और कुछ बातें आप में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को कौन अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगा जो बिल्कुल बुद्धू हो, जो कोई काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। तो लड़कियां आप में ये बात बहुत अच्छी तरह नोटिस करती है कि आप कितने स्मार्ट पर्सन हैं। पावर एंड पोजीशन। आपको पता ही होगा, आजकल लोग दिखावे के लिए ही बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोग समाज में अपना पोजीशन दिखाना चाहते हैं कि देखो यार, इतने सारे लोग मेरे साथ हैं। तुम्हें खुद के पावर का शो ऑफ करना होगा। तुम्हें लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहिए, उनके साथ घूमना फिरना चाहिए। सभी लड़कियों को पटाने के चक्कर में मत रहो, एक दो लड़कियों को दोस्त भी बनाओ। तुम्हारे आसपास एक दो लड़कियां रही तो तीसरी लड़की भी तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहेगी, तुमसे बात करना चाहेगी।